ईद पर कितनी छुट्टियां होंगी? खुशखबरी आने वाली है। मुल्क में ईद उल फितर पर 4 से 5 रोजा तातीलात का इम्कान जाहिर कर दिया गया। कैबिनेट डिवीजन ने मुल्क भर में ईद उल फितर पर छुट्टियों से मुतल्लिक वर्किंग का आगाज कर दिया है। ईद के लिए 4 से 5 छुट्टियां देने की तजवीज वज़ीर आज़म हाउस को दी जाएगी। तहम इस हवाले से हतमी फैसला वज़ीर आज़म अगले हफ्ते करेंगे। अगर ईद जुमे को हुई तो 20 से 23 अप्रैल तक छुट्टियाँ होने का इम्कान है, जबकि हफ्ता 22 अप्रैल को ईद होने की सूरत में 20 से 24 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान हो सकता है। कैबिनेट डिवीजन वज़ीर आज़म की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। इधर रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल ने पाकिस्तान में ईद का चांद नजर आने की तारीख बता दी। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल खालिद इजाद मुफ्ती ने कहा है कि शिवालुल मुकर्रम का चांद देखने के लिए जुमेरात 20 अप्रैल की शाम को होगा, तहम इस शाम ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। लिहाजा ईद उल फितर 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। रोयत हिलाल रिसर्च काउंसिल का कहना है कि चांद की पदाइश जुमेरात 20 अप्रैल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:13 पर होगी। रूबी आफ्ताब के बाद चांद की उम्र जो रोयत के लिए 19 घंटों से ज्यादा होनी चाहिए वो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में 10 घंटों से भी कम होगी। चुनाचे पाकिस्तान के तमाम इलाकों में मतलब इंतहाई साफ हुआ तो भी 20 अप्रैल की शाम टेलीस्कोप पर भी चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। अप्रैल की शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान के तमाम इलाकों में 33 घंटों से ज्यादा हो चुकी होगी, लिहाजा इस रोज चांद न सिर्फ आसानी नजर आएगा बल्कि गुरूब कमर का भी कदर ज्यादा होगा। यूँ 21 अप्रैल को 30 रमजान मुबारक और 22 अप्रैल को यकम शिवाल होगी।